भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो आने वाले समय में उसके चार टुकड़े हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी चंडीगढ़ के सांस्कृतिक गौरव संस्थान की ओर से वेकेशन ऑफ पीओके पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे। स्वामी ने कहा कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में जो याचिका डाली थी उसे पीएम मोदी को वापस लेना चाहिए। याचिका वापस लेते ही एलओसी की बाधाएं अवैध हो जाएंगी। इसके बाद भारतीय फौज एलओसी पार करके मुजफ्फराबाद तक पहुंच जाएंगी और हमारा कब्जा पीओके पर आसानी से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पाक अब भी नहीं सुधरा तो आने वाले समय में पाकिस्तान के चार टुकड़े हो जाएंगे। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को सुझाव दिया कि अब भारत सरकार को यूएन से याचिका वापस लेने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि हम पीओके पर अपना कब्जा जमा सकें। उन्होंने कहा कि देश आज़ाद होने के बाद तत्कालीन सरकार कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गई थी। वहां मध्यस्थता की बात उठी तो यूएन ने जो हिस्सा भारत के पास था वह भारत को दे दिया और जो पाक के पास था वो पाक को मिल गया। स्वामी ने कहा कि अब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करके पीओके को भारत में शामिल करने का रास्ता खोल दिया है। उन्होंने चंडीगढ़ सांसद किरण खेर से भी आग्रह किया कि वह मोदी को यूएन से याचिका वापस लेने का सुझाव दें। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान तो मोहरा है, देश तो कोई और चला रहा है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मेरा गोत्र कश्यप है, कश्मीर को कश्यप लोगों ने ही बसाया था, इसलिए कश्मीर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। यह अनुच्छेद बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। स्वामी ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत नहीं थी। यह अनुच्छेद इतना आसान था कि केवल राष्ट्रपति की मोहर से ही खत्म हो जाता। केंद्र सरकार ने ऐसा ही किया और अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना कब्जा लेने की बारी है। वीडियो डेस्क अमरजाला.com।